त्रिपुरिया कृषि उपज मंडी में बिना अनुबंध के रात को तुलर की तुलाई और पैकिंग की जा रही थी। संदिग्ध तरीके से हो रही तुलर की तुलाई एवं पैकिंग की सूचना मिलने पर कृषि उपज मंडी प्रबंधन ने मौके पर पहुंचकर 85 बोरी तुलर जब्त की। इसके बाद मंडी निरीक्षक द्वारा संदिग्ध माल का पंचनामा बनाया गया। मंडी सचिव ने बताया कि बिना अनुबंध के किसी व्यापारी द्वारा किसी अज्ञात किसान का माल तौलकर उसकी पैकिंग की जा रही थी। हमालों ने हमें सूचना दी, इसके बाद पूरी तुलर को गोदाम में रखवा दिया है। जब कोई तुलर पर दावा करता है उसके बाद संबंधित पर कार्रवाई कर जुर्माना लगाया जाएगा। एक मामला ये है कि मैं कार्यालय में बैठा हुआ था, अधिकारी से कुछ डिस्कस कर रहा था, तो मुझे 3 नंबर फ्लैट से फोन आया, संतोष नागोत्रा और मुमताज अली का। तो भैया यहाँ पे तुलाई हो रही है, तो जाके देखा तो वो तुलाई कर रहे थे, तुलाई तुअर की थी। तो उन्होंने मालों से अपन ने बयान लिया कौन का है क्या है, वो उन्होंने बताया और उसके बाद उसका तुअर 50 किलो के हिसाब से उसमें तुली है और सिलाई मशीन से तुली थी। उसका फिर पंचनामा बना के उसको अपने जब वहाँ पे गोदाम में रख दिया उसको 85 कट्टी है लगभग। ये किसकी है कोई जानकारी मिली? जानकारी उसकी, क्योंकि वहाँ पे सेट पे कोई अपना दावा प्रतिदावा करने के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए उसको अज्ञात के अपन ने उसको लेके जब्त करके गोदाम में रख दी गई। इधर मंडी प्रांगण में जिस तुअर का पंचनामा बनाया है उसे मंडी परिसर के क्षेत्र क्रमांक 3 में स्थित राजेंद्र जैन की दुकान में 3-4 दिन से तुलर की छत्ती लगाकर रखी जा रही थी। सेट क्रमांक 3 में बिना अनुमति के तुलाई करा रहे थे। तुलाइयों द्वारा इसकी जानकारी दी गई, पंचनामा बनाकर बोरियां जब्त की गई। इधर मंडी प्रबंधन के पंचनामा बनाने के बाद व्यापारी राजेंद्र जैन ने बताया कि मेरा माल नहीं है, किसान का माल है जो सिर्फ पैकिंग कर रहा था। मेरा माल नहीं है, आपको किसान का माल है, वो मेरे से बोल गए थे कि इसको तुलवा देना, बस इतना था और मैं वहाँ पे था ही नहीं मौजूद। कौन किसान थे जिसका माल था? ये राम गोपाल जी साहू। वही किसान राम गोपाल साहू ने बताया कि मेरा माल है और इसकी जानकारी मैंने व्यापारी राजेंद्र जैन को दी थी जिनके यहाँ से वह व्यापार करता है, मंडी प्रबंधन से मिलकर जानकारी लूंगा। भैया क्या नाम है? राम गोपाल साहू। भैया तुअर आज पंचनामा बना है, ये साल 2000 मेरी थी। हाँ। जैन साहब के यहाँ मैं लेन देन करता हूँ, आता जाता हूँ, तो जैन साहब को बोला था मेरे उधर थोड़ा काम है मार्केट में, आप मेरी तुअर खुलवा देना। उधर तुअर खुलवा रहा, बाद में पता चला मैं आया पड़ पे, मैंने कहा भी ये मेरी है। अच्छा ये तुअर कहाँ से आई थी? मेरी तो आई थी कोटगांव। कोटगांव से? अच्छा आपकी क्या खेती है? क्या जी खेती है? कितने एकड़ है? मेरी करीब 10-12 एकड़। अभी भारी मात्रा में संदिग्ध परिस्थितियों में तुअर का विक्रय होते हुए पकड़ा गया है सर। ये प्राथमिक मामला आपके संज्ञान में आया होगा, क्या है सर पूरी कहानी इसकी? मामला ये है कि किसी अज्ञात किसान द्वारा किसी व्यापारी को नीलामी के अलावा किस तरह बेचा गया और वो 85 कट्टी तुअर है जिसकी वो सिलाई मशीन से कर रहे थे। हमारे संज्ञान में मामला आया, हमने तत्काल हमारे मंडी निरीक्षक श्री लोखंडे जी और जसवाल जी को वहाँ भेजा, उनके द्वारा पंचनामा तैयार किया गया, तो किसी ने दावा नहीं किया कि ये मेरी तुअर है, तो उसको जब्त करा के हमने गोदाम में रखवा दी है। आगे जैसा भी जो भी उसमें दावा आपत्ति करेगा तो नियमानुसार उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सर ये जो अनाज है यहाँ मंडी प्रांगण के अंदर इंटर जब होता है तो क्या एंट्री नहीं की जाती कि सर गेट पर? की जाती, तो गेट की एंट्री के हिसाब से नहीं पता लग रहा आपको? पता लग जाएगा, हमने अभी जब्ती बना ली है, जैसे कोई किसान आएगा उसको लेने के लिए तो उसका रिकॉर्ड पूरा चेक किया जाएगा, गेट से कुछ टेस्ट करके उसका पता लगाएंगे। ये पंचनामा अज्ञात के नाम से बनाया गया है सर, किसी के द्वारा वहाँ यानी ऐसा बताया नहीं गया कि मेरी है, इसलिए अज्ञात के नाम से बना लिया है। कोई ना कोई दावा उसका करेगा आकर कि मेरी, तो उसका नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर तुअर की यहाँ पर तुअर की कोई साक्षी खरीदी नहीं। पिपरिया से सुशील पटवा की रिपोर्ट।